और यात्रा मार्ग पर लिमिटेड लगाने के बिल्कुल मैं तो धन्यवाद देता हूँ सुप्रीम कोर्ट के महान जजों को जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का फैसला दिया था और आज इस देश को धर्म और जाति के नाम पे बांटने का जो षड्यंत्र नरेंद्र मोदी और योगी जी मुख्यमंत्री ने किया है उसका पर्दाफाश किया और उस पथ पे जहाँ मुसलमानों की भी दुकान है हिंदुओं की भी दुकान है वहाँ प्रोपराइटर का नाम लिखने से मना किया कि इस तरह की कभी भी बात नहीं हुई इस देश में कि कौन किस जाति का उसका लिखा जाए नाम। तो सुप्रीम कोर्ट को हम धन्यवाद देते हैं कि आपका ये आदेश भारत को जोड़ने वाला। थैंक यू। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन यादव तक सिर्फ भाषण में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करते हैं वरना सबसे ज़्यादा अत्याचार यदि कहीं हो रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पे मध्य प्रदेश में हो रहा है। आज नागर सिंह चौहान मंत्री हैं वन और पर्यावरण विभाग उनसे महत्वपूर्ण विभाग दोनों ले लिए। क्या आपके मंत्रिमंडल में नागर सिंह चौहान ही थे और कोई मंत्री नहीं था? और बात यह कि राम निवास रावत वन के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। यदि उन्हें बनाना था तो संसदीय कार्य का उन्हें बड़ा ज्ञान है, संसदीय कार्य मंत्री बनाते। लेकिन जब जब मौका मिलता नरेंद्र मोदी मोहन यादव को अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ ये फरेब करते हैं, अन्याय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला Subscribe.